ज्यादा बारिश की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हो, टमाटर हो चाहे प्याज हो, उससे आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की सबसे बड़ी सब्जी मंडी करोंद मंडी में, जहां पर लाखों टन सब्जियां आती हैं। यहां पर चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, शिमला मिर्च हो, या फिर आलू हो, टमाटर हो, बैंगन हो, प्याज हो, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्याज की होलसेल मंडी है। यहाँ पर प्याज यहाँ पर रखी हुई है, और जो यहाँ के होलसेलर हैं, जो विक्रेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। शाहिद जी, ये बताइए कि प्याज क्या भाव है, रिटेल में क्या भाव है और थोक में क्या भाव? रिटेल में प्याज चल रही है 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, 100 रुपये ही बिक रही है, ठेले वाले 100 रुपये ही बेच रहे हैं, और मंडी के अंदर 80 रुपये रिटेल बिक रही है, और थोक में प्याज बिक रही है 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये किलो। अच्छा, ये प्याज वाकई में महंगी है या फिर रिटेल में जो जा रही है तो बिचौलिए कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कारण क्या है, इतनी महंगी क्यों है? भाई कारण तो है ना, कोई गड़बड़ कर रही है, प्याज ही नहीं है। जो इस साल जो बारिश हुई थी, जम के चारों साइड पूरे देश में तो बारिश हुई अच्छी तरह, इससे प्याज काफ़ी नष्ट हो चुकी है। अपने भोपाल में कहाँ से प्याज आती है? अपने भोपाल के आसपास गाँव से आती है, बहुत प्याज आती है, लेकिन प्याज इतनी बारिश होने से प्याज सबकी ख़राब हो चुकी है। अब प्याज कोई आने का चांस नहीं है, नई प्याज भी ख़राब हो गई फसल। पानी प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, नीमच तरफ भी खूब प्याज की पैदावार होती थी, इस बार नहीं हुई क्या? हाँ, इस साल पैदावार नहीं हुई, बारिश की वजह से प्याज फसल नष्ट हो गई है ना, और कर्नाटक से प्याज नहीं चालू हो गई आना, हो सकता है कुछ उम्मीद है प्याज का भाव घट जाए। अभी थोक में हम क्या मान कर चलें कि क्या थोक में अभी 50-60 रुपये कम कोई प्याज नहीं बिक रही थोक के अंदर, और रिटेल में 80-90 और 100 तक? जी हाँ, रिटेल में 80-90 रुपये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करोंद मंडी में ये प्याज के होलसेलर हैं, और यहाँ पर प्याज का ढेर लगा हुआ है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई बिचौलिया यहाँ पर गड़बड़ नहीं कर रहा। हालांकि वो तो जब सरकार एक्शन में आएगी, एक्शन के मोड में आएगी, तब पता चलेगा, लेकिन ये बात ज़रूर साफ है कि भारी बारिश के चलते इस बार प्याज ख़राब हो गई, और यही वजह है, एक बड़ी वजह है कि प्याज जो है वो रिटेल में अगर हम बात करें तो खुदरा जो मूल्य है उसके 90 रुपये किलो तक है भोपाल शहर में, और अगर थोक की बात करें तो 60-70 रुपये किलो तक मिल रही है। होलसेल सब्जी मंडी के बाद हम पहुंचे हैं खुदरा मंडी में, जहां पर कि रिटेल में व्यापार किया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये स्टूडेंट हैं, ये भी प्याज और सब्जी खरीद कर जा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, देख सकते हैं पूरी मंडी है। यहाँ हम बात करते हैं, कुछ ग्राहक यहाँ पहुँचे हैं, क्या नाम है आपका? भाई दीपक साहू। प्याज बड़ी महंगी, क्या बात है? अब महंगी है तो अब इसमें क्या करें भाई, अब इतना समझ तो है नहीं कि प्याज महंगी क्यों है, हो सकता है कि कम आवक हो। प्याज सड़ गई है बता रहे हैं दुकानदार। अब सड़ गई तो रखरखाव नहीं कर पाए यार, कुदरती कहर है ये। बिल्कुल कुदरत का कहर है, और शायद यही वजह है कि इस बार प्याज बहुत महंगी है। क्या नाम है आपका? बादशाह। बादशाह हैं आप, तो बताइए ना, प्याज के बादशाह भी बन जाइए थोड़ा सा, बताइए क्या कारण है, प्याज क्यों नहीं आ रही? पानी इतना गिरा है खेतों में, बहुत पानी भरा रहा है। बिचौलियों का कारण तो नहीं है, कोई बीच वाला गड़बड़ कर रहा हो, काला बाजारी? काला बाजारी कुछ नहीं हो रही है, पानी इतना गिरा है कि खेतों में पानी भर गया, वो खेतों में प्याज सड़ रही है, तो प्याज इस साल इसलिए कम हुई है, इस साल प्याज कम है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमन। अमन, क्या कारण है, क्या भाव बेच रहे हो ये प्याज? प्याज ये छोटी छोटी थी बेचना, कुल 40 रुपये किलो, और ये वाली दिखाओ 70 रुपये किलो। 70 रुपये किलो? हाँ। ऐसा क्यों? 70 रुपये किलो, क्योंकि बारिश के कारण पूरी प्याज सड़ी हुई है, देख सकते हैं कैसी प्याज आ रही है, उधर भी दिखाओ सड़ी प्याज कितनी निकल रही है। कहना कि वहाँ भी दिखाइए कि सड़ी प्याज भी आ रही है, और उसका जो है किस तरीके से छांट करके साफ प्याज अलग रखी जा रही है, और जो खराब है उसको हटाया जा रहा है। तो वाकई में ज़्यादा बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, तो इस बार पूरे मध्य प्रदेश में औसतन से भी ज़्यादा बारिश हुई है, तो एक बड़ा कारण है, और यही वजह है कि प्याज के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। 70 रुपये किलो भी है, 90 रुपये किलो भी, और सबसे अच्छी प्याज जो है वो भोपाल में आज की तारीख में 100 रुपये किलो प्रति 100 रुपये किलो तक मिल रही है। तो कुल मिलाकर आम जनता पर महंगाई की मार पहले से ही है, और सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, खासकर प्याज और टमाटर के। कैमरामैन कमलेश ब्याज के साथ गौरव शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 24।